हेलो नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से आज हम यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड में जो यहाँ पे छोटा वाला आर्टिकल आया है, बेसिकली ये आया है जुडिशरी के बारे में। तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को लेके, उसको डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल को हम ब्रीफली डिस्कस है यहाँ पे करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल यहाँ पे आया है। ये जो आर्टिकल है ये फिर वो पाकिस्तान के बारे में है, तो इसमें कुछ खास पॉइंट है नहीं हमारे लिए, तो इससे हम बिल्कुल भी डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये जो बड़ा आर्टिकल है मेन पेज पे, ये आर्टिकल बेसिकली आया है मॉब लिंचिंग के बारे में। इसमें कुछ नई डायमेंशन से यूज़ की गई हैं। यूएसए का एग्जांपल दिया गया कि एंटी लिंचिंग जो कानून वगैरह बनाने हैं वो कैसे क्या करने हैं, कौन कौन से स्टेप वगैरह उठाने हैं। तो कुछ दो चार जो नई डायमेंशन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो ये आर्टिकल है ये एक्चुअली जिम्बाब्वे के कैपिटल है हरारे, उसको लेके बेसिकली आया है। तो आपको लोकेशन देखने है जिम्बाब्वे की, ये आपको आज आज का होमवर्क है। आपको देखना है कि जिम्बाब्वे वो लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। देखो बात करें जिम्बाब्वे की, तो यहाँ पे दो तीन फीचर्स हैं कि अभी वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं और जो इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं तो काफ़ी हिंसा वगैरह हो रही है, तो उसको लेके इस आर्टिकल में डिस्कस वो किया गया है। तो हमारे लिए बेसिकली कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ कौन सी कंट्री क्या चल रहा है वहाँ पर, तो वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, बस बेसिकली आज दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये छोटे वाला आर्टिकल और एक ये, तो इन आर्टिकल को दोनों को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं तो फिर डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम जुडिशरी से रिलेटेड जो आर्टिकल है ना इसे ही डिस्कस करेंगे। देखो आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं और फिर हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि जस्टिस के एम जोसेफ थे, उनको कॉलेजियम के तहत अपॉइंटमेंट करने की बात थी, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नानाटक है वो कर रही थी। अब उसके बारे में फिर आगे क्या क्या स्टेप हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, बट हम यहाँ पर आर्टिकल की स्टार्टिंग वो बैकग्राउंड से करेंगे और बैकग्राउंड की बात यहाँ पर शुरुआत होगी कॉलेजियम से लेके, कि कॉलेजियम क्यों बनाया गया, कहाँ बनाया गया, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 1993 में क्या होता, 3 जजेज केस सामने आया था और उसी के दौरान जजेज को अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बनाने की बात है वो की गई थी। तो कॉलेजियम सिस्टम का मतलब यह है कि इसमें 5 जज होते हैं टोटल, 4 जज होते हैं वो तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेज और एक होते हैं जो वहाँ के मेन हेड हो गए वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं वो मिलके कॉलेजियम का नाम है वो क्या कॉलेजियम कहलाते हैं। मतलब कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ये हो गया कि टोटल 5 जज हैं, 4 तो सीनियर मोस्ट जजेज हैं और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या होता है। देखो मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये होता है कि हैं तो सारे जज इक्वल हैं, ऐसी बात नहीं, बस इनकी थोड़ी अथॉरिटी है, इनकी पावर थोड़ी ज़्यादा है। कैसे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके पास ये पावर होती है कि कौन सा केस है कौन सी बेंच को देना है और कौन से केस को कौन सा जज सुनेगा ये सारे, और कितनी बेंच जितनी बेंच हैं उनमें कैसे कैसे कौन से जजों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ये बेसिकली काम है ये किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब देखा जाए तो वैसे ओहदा तो जो वैल्यू हो तो सारे जजों की सेम है, सैलरी वगैरह सब सेम होती है, बट फिर भी इनको जो पैसा नहीं सॉरी इनकी जो वैल्यू आप प्रतिष्ठा बोल सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो होती है मास्टर ऑफ रोस्टर। ये बात अभी रिसेंटली जब केस चलाता पीछे आपको बताया कि 4 सीनियर मोस्ट जज थे वो हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की थी, तो काफ़ी सारा मामला सामने आया था, जुडिशियरी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, वो चीज़ें हमने पहले डिस्कस हैं वो की थी। तो उसी दौरान ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, मतलब उनके पास ये पावर होती है कि कौन से तो बेंच है इसमें कितने तो मेंबर बनाने और उन मेंबर में कौन कौन से मेंबर होंगे, मतलब कौन कौन से जजों को मेंबर बनाना है इसका और फिर वो कौन से केस की सुनवाई करेंगे, ये सारा काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। क्योंकि अगर एक आदमी के पास देखो यहाँ पर पावर है तो आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अगर यहीं पर 3-4 लोगों के पास ही पावर हो जाएगी मास्टर ऑफ रोस्टर की तो आपस में लड़ते फिरेंगे, वो कहेगा नहीं इसको अपॉइंट करो, वो कहेगा इसको अपॉइंटमेंट करो, तो इससे क्या है काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको मास्टर ऑफ रोस्टर है वो कहा जाता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो यहाँ पे रखनी है। अब देखो उसमें कॉलेजियम के तहत ये प्रावधान किया गया, ये फैसिलिटी हुई थी फिर कि सबसे पहले क्या होगा कॉलेजियम में किसी भी जज को अपॉइंट वगैरह करना है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो वो पहले उसका नाम है वो गवर्नमेंट को सुझाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम देगा कि भाई ये 3 जज हैं इनको हमने डिसाइड किया अपॉइंट करने के लिए, अब आप बताइए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देखो कई बार क्या है कि जजेस वगैरह वो काफ़ी करप्शन में संलिप्त पाए जाते हैं और हो सकता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए कुछ इश्यूज़ वगैरह हो, तो ये बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होता है ना कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन खतरा है या कुछ कौन से, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि वो जो विरोधी पार्टी हैं उनके साथ मिलकर कोई गठबंधन वगैरह का कुछ काम हो, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो कि विदेशी गवर्नमेंट है उनके साथ कोई गठजोड़ उनके लिंक हो आतंकवाद किसी भी तरह के, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती थी, मतलब
कोलिजियम क्या होता था, कोलिजियम पहले जो ये 5 जजेस होते थे, ये नाम अपॉइंट नाम है वो रिकमेंड करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उन नामों को वेरीफाई करती थी, अगर सही है तो इनको भेज देती थी कि हाँ भाई ठीक है आप इसको अपॉइंटमेंट कर दीजिए, अगर लगता कि ये जज सही नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन वगैरह थी उनके आधार पर, तो फिर उसको अपॉइंट के लिए मना कर दिया जाता था। अब जो ही उन्होंने वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम भेज दिए कोलिजियम के पास कि भाई आप इसको अपॉइंट कर दो इनको मत करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि भाई उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। अब इसके बाद क्या होगा, कोलिजियम अगर फिर से चाहे तो वापस भेज सकता था, मतलब कोलिजियम में कह दिया कि नहीं भाई हम तो वापस इसी को बनाना चाहते हैं, तो सेकेंड टाइम वो मना नहीं कर सकते, सेकेंड टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते कि आप इसको मत बनाइए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देनी होती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग है ये, बेसिकली कोलिजियम का एक प्रावधान मैंने आपको बताया कि अगर सेकेंड टाइम सेम जज के बारे में ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो बात की जाती है कि हाँ भाई आप इसी को अपॉइंट कीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए मना है वो नहीं कर सकती, और मतलब क्या हुआ तो फिर उसको अपॉइंट है वो करना होगा। अब बात करें अपॉइंटमेंट की, तो वो तो आप जानते हो कि अपॉइंटमेंट का जो बेसिकली काम है जजों का वो क्या जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट साहब हैं वही बेसिकली जजों को अपॉइंट है वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज सामने आते हैं, इश्यूज के हैं, अब हम सारा खेल समझते हैं, कोलिजियम हमें समझ में आ गया, इसी के साथ आपको पता है कि NJC भी आया था, बट NJC वो कैंसिल हो गया था तो अब रद्द हो गया, उसको आप बोल सकते हो कि एक तरीके से खत्म कर दिया, जीरो वैलिड कर दिया, तो वो हमारे लिए पढ़ने लायक कुछ काम का नहीं है, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे हमारे आर्टिकल की तरफ। देखो आज के टाइम पे क्या था कि एक जज है जिनका नाम है जस्टिस KM जोसेफ, जो कि भी रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जज हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जज हैं जिनका नाम है जोसेफ KM, सॉरी जस्टिस KM जोसेफ। अब हो क्या रहा था कि कोलेजियम ने इनका नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि भाई आप इनको अपॉइंट वो कीजिए एज ए सीनियर जज के तौर पे, बट हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो रीज़न दिए। अब कौन से दो रीज़न दिए वो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इसके आधार पर आप इनको अपॉइंट नहीं कीजिए। पहला तो रीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई जो जस्टिस KM जोसेफ है ना, इनके अलावा भी और सीनियर जज हैं तो आप उनको प्रायोरिटी दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इनरेगुलर है। क्यों इलॉजिकल है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि सीनियरिटी के बिना भी और जजों को अपॉइंट है वो किया गया सीनियर जज के तौर पे, तो इसलिए पहला वाला तो गवर्नमेंट का जो तर्क था वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाता है। दूसरा विवाद एक ये था कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो जस्टिस KF जोसेफ हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं, और केरला से ऑलरेडी हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें काफ़ी सारे जजेज हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं इनको अपॉइंट है वो नहीं करना चाहिए। तो राइटर ये कह रहे हैं कि दोनों ही रीजन है वो बहुत बेतुके हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ दिख रही है कि ये मतलब काफ़ी इनरेगुलर, काफ़ी इनप्रैक्टिकल बातें उन्होंने कही हैं। भाई जिसके पास टैलेंट है जुडिशरी में उन्हीं को अपॉइंट किया जाना है, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे कहीं से भी हो, जिनके पास टैलेंट है उसी के आधार पर तो अपॉइंट किया जाएगा ना, वहां कौन सा रिजर्वेशन देना है हमें इस चीज को लेके। तो राइटर कह रहे हैं कि सुप्रीम जो सॉरी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिए गए हैं दो रीजन कि इस आधार पर जस्टिस KF जोसेफ को अपॉइंट नहीं किया जाए, वो दोनों ही रीजन काफी इनवैलिड या कहीं ना कहीं सही वो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है कि बिना सीनियर जजेस के आधार पर भी किसी दूसरे जज को सीनियर जजेस के तौर पर अपॉइंट है वो किया गया, मतलब सीनियोरिटी का कोई रीजन पहले भी नहीं देखा गया। फिर यहां पर बात है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी की गई है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां के अंदर भी काफी बार ऐसा किया गया था कि मतलब मनमर्जी की थी, तो मतलब वो कोई रीजन नहीं है। सीधी सी बात ही है कि एक तो सीनियरिटी का रीजन देना ये काफी इनरेगुलर बात है, दूसरी बात उन्होंने सीनियरिटी का दिया भी बहाना दिया कि भाई केरला से ऑलरेडी बहुत सारे जज हैं हमारे देश में तो उनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, तो ये भी कहने की काफी इनलॉजिकल बात है वो हो जाती है। ये सारी बेसिकली बात अभी यहाँ पे हुई। तो अभी हुआ क्या कि अभी जो ही वापस कोलिजियम ने क्या किया, वापस जस्टिस KF जोसेफ का नाम है वो रिकमेंड किया कि भाई आप इनको अपॉइंट करने के बारे में बताइए, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनुमति दे रही है, ये सारा कंटेक्स्ट अभी आया है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके साथ ही देखो राइटर ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे देश में देखा जाए तो हाई कोर्ट के अंदर लगभग 60,000 या लाखों से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, लगभग टोटल हमारे देश में देखें तो 3.5-4 करोड़ के आसपास केस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, ये तो एक बात है। और दूसरी बात क्या है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे वहाँ भी बहुत सारे केस है वो पेंडिंग पड़े हैं। तो देखो जब भी इतने सारे केस पेंडिंग होते हैं ना, इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक तो लोगों को टाइम पे जस्टिस नहीं मिल पाता। अब आप खुद बताइए कि एक इंसान है जो 18 साल की उम्र में कोई केस कर रहा है किसी इंसान में, कोई भी इशू उसने 20 साल की, मान लो कि 20 साल की उम्र में केस फाइल किया और उसका सोल्यूशन आते आते उसकी एज वो 60 साल होगी, तो उसके लिए क्या फ़ायदा हुआ, उसको तो उल्टा काफ़ी लॉस हो गया ना। तो वही बात राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो हमारे देश में जस्टिस है वो टाइम पर नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए बहुत सारे इश्यूज हैं वो सामने आते हैं।
लोगों का धीरे धीरे जुडिशियल पे भरोसा वो कम हो जाता है, क्या केस करने में कुछ नहीं रखा, कुछ होना तो है नहीं, फालतू में अदालत के चक्कर हैं वो काटने पड़ेंगे, तारीख पे तारीख वाली बात है वो होती रहेगी, तो इसलिए लोग हैं वो जानबूझ के ऐसा स्टेप है वो गलत उठाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, अगर हमारे देश में केसेज की संख्या बढ़ती है, केस बेसिकली दो तरह के आप बोल सकते हो कोर्टों में, एक तो सिविल केस होते हैं एक होते हैं क्रिमिनल। अगर सिविल केस बढ़ रहे हैं ना तो वो हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों? सिविल केस का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई प्रॉपर्टी का केस होगा, कुछ इसी तरीके के कुछ राइट्स वगैरह के कुछ केस हो गया कि भाई आपने प्रॉपर्टी वगैरह के ऐसे रिलेटेड आप कुछ मान सकते हो सिविल केस, उसके अंदर क्या दिक्कत आती है, हमारे देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये मान लो कोई कंपनी इंडिया में स्टेब्लिश की गई और वो कंपनी इंडिया में काम कर रही है बट फिर भी उस पर कुछ केस वगैरह का इशू चल गया, अब वो कंपनी अगर 5-6 साल केस लड़ेगी तो भाई उसका तो घाटा हो जाएगा ना ऑब्वियसली, लंबे टाइम तक थोड़ी वो केस लड़ेगी तो वो फिर अपना प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी और फिर वो कहाँ अपनी कंपनी चला पाएगी, उससे अपने और भी तो बहुत सारे काम देखने होते हैं, ये थोड़ी कि वो अदालत की चक्कर काटेगी। तो मतलब अगर सिविल केस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारे देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोटो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे ऑल देश में ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है, ठीक ठाक हम बोल सकते हैं पर ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो एमएनसी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनका भरोसा नहीं है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जुडिशियल पे, उन्हें पता है कि केस लटका के रखेंगे और हमें फालतू में हमारा पैसा वो वहां पे फंस सकता है, तो ये एक इशू यहां पे बताया गया है। इसके बाद में देखो बात करें अगर क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस से क्या होता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी है ना उसका ट्रस्ट खत्म होता है। यह जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लो कि 20 साल की उम्र में किसी ने कोई क्रिमिनल केस था कि किसी का मतलब ये मान लो कि हत्या वगैरह कर दी गई, वो केस इंसान फाइल फिर कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं उसके परिवार वाले, और जब उसका डिसीजन आता है तो 40-50 साल बाद डिसीजन आता है, तो उसके लिए क्या फ़ायदा हुआ, उनकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई ना, तो मतलब ज़्यादा डिले होता है ना तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के लोगों में ट्रस्ट है उसी को कम करने वाला है, तो ये काफ़ी सारे नुकसान भी हमें यहाँ पे होने वाले हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली जो अभी दो रीज़न दिए थे ना सीनियर मोस्ट जजेस को लेके यहाँ पे कि भाई जो जस्टिस जो के एम जोसेफ है इनको अपॉइंट नहीं किया जाए, इसके पीछे रियल रीज़न ये है क्योंकि अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के अंदर प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया था, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल का जो आप बोल सकते हो कि उसको इनवैलिड करा दिया था, कहा था कि ये काफ़ी गलत है, वो जस्टिस जोसेफ ने ही दिया था, तो इसलिए कहीं ना कहीं जस्टिस जोसेफ की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बन नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने ऐसा काम है वो किया है, मतलब एक तरह से रिवेंज वाली बात यहाँ पे सामने वो आती है। अब बात करें हम और तरह के इश्यूज क्या क्या हैं, देखो और तरह के इश्यूज एक ही हैं कि जब भी कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से रिकमेंड करता है कि भैया आप इन जजों में से बताइए कि किसको हमें सीनियर जज वगैरह या अपॉइंट है वो करना है हाईकोर्ट वगैरह में, तो 3 जजों के नाम बेसिकली दिए जाते हैं और उसमें से 1 जज का नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भैया आप इसको अपॉइंट कीजिए, तो राइटर ये कह रहे हैं कि बाकी 2 जजों के बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं दी जाती है तो काफी असंदिग्धताएं रहती हैं, तो सब कुछ क्लियर है वो होना चाहिए, एक तो इश्यूज यहां पे आ जाते हैं। दूसरा राइटर ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि सीनियर जजेज को अपॉइंट जब किया जा रहा था उस टाइम के अंदर, जब सेकंड टाइम भी कॉलेजियम ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सेकंड टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो मतलब कहीं नहीं कॉलेजियम का उस टाइम पे एक तरीके से उसका मिसयूज या गलत है उसको रिजेक्ट वो किया गया तो वो काफी गलत था। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि लोगों का जब भरोसा नहीं रहेगा जुडिशियरी पे तब तक ना तो गवर्नमेंट बन पाएगी ना ही कुछ हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए जुडिशियरी के, ताकि जो भी हमारे केस पेंडिंग है उनको दूर किया जा सके और हमारे देश के जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे दूर है वो किया जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, हमने काफ़ी सारे डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस वो किए हैं, इवन आर्टिकल में जो दिया गया है उसके अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं ब्रीफली, ताकि कोई भी इश्यू आपको यहाँ पे ना रहे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मॉब लिंचिंग के बारे में। देखो मॉब लिंचिंग के बारे में वैसे तो आप सब जानते हो कि मॉब लिंचिंग होती क्या है, भीड़ के द्वारा जो हिंसा है वो की जाती है, तो अब यहाँ पे एक नया एंगल है वो यहाँ पे राइटर वो बता रहे हैं। देखो राइटर ये कह रहे हैं बहुत सीधी सीधी सटीक लैंग्वेज में कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ना वैसे तो गवर्नमेंट की होती है, अब वो अलग बात है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट की है, तो राइटर ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही बात है। अब स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना नहीं मार सकता कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास गन नहीं है, हमारे पास वहाँ पर पुलिस चौकी नहीं है, क्योंकि ये काम तो एक्चुअली गवर्नमेंट का है ना कि कहाँ पुलिस चौकी बनानी है कहाँ क्या बनाना है, मतलब सीधी सी बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट मान लो उसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको दूसरे लोगों को वहाँ पे अपॉइंट वगैरह करके मतलब नया तरीके से काम वो करवाना चाहिए, बहाने नहीं मारने चाहिए क्योंकि बहानेबाजी से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, जो कमी है उसको दूर करो। अगर आप कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर में कमी, तो कमी है क्यों, आप में ही कमी है ना, आपने क्यों नहीं अपॉइंट किया, अगर आपके पास पुलिस फोर्स
की कमी है तो आप पुलिस फोर्स को और ज़्यादा ज्वाइनिंग दीजिए, आपके पास कुछ और इश्यूज़ हैं तो उनके ऊपर फोकस कीजिए ना आप। कहीं ना कहीं आप बहानेबाजी या एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि नहीं हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है इसलिए हम वहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो तो काफ़ी एक तरीके से इनप्रैक्टिकल बात हो गई ना। आपके पास पुलिस की कमी क्यों है भाई, आप अब लोगों को अपॉइंट कर दीजिए और नई वैकेंसी वो लेके आइए। तो मतलब मॉब लिंचिंग जब भी होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बहाने दिए जाते हैं, एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं, वो कहने के राइटर उनका विरोध है यहाँ पे कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि इसी तरीके के अगर एक्सक्यूज़ दिए गए तो इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का उल्लंघन है वो हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार वो जनता की होती है, जनता के द्वारा ही इलेक्ट होती है, तो जनता की सेफ्टी हमारी एक अहम सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जनता को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अब वहाँ पर अगर एक इंसान के साथ अगर भीड़ कुछ नाइंसाफी कर रही है या भीड़ है वो कानून हाथ में ले रही है तो उस कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है वो गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर स्टेप है वो उठाने होंगे। राइटर फिर बता भी रहे हैं कि देखो इंडिया के अंदर कानून हाथ में लेना एक बहुत आम बात हो गई है, लोगों के बीच में एक ट्रेंड सा चल गया है, इस धारणा को हमें कहीं ना कहीं बदलना होगा और लोगों को अवेयर करवाना होगा। अब लोगों को अवेयर करवाने के लिए नहीं कि हम उनको घर घर जाके बोल देंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उन रीजन को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। भीड़ हिंसा वो क्यों कर रही है, क्यों उसका पॉलिटिकल फायदा वो उठाया जा रहा है, उन रीजन को हमें आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग एक्शन है वो लेना होगा। कुछ एरियो में मॉब लिंचिंग ज़्यादा होती है तो उस वाले सेंसिटिव एरिया के अंदर हमें फोर्स वगैरह को डिप्लॉय करके रखना चाहिए ताकि पता चले कि वहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं, जो ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो ऐसी इन एक्टिविटीज़ या ऐसे गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन है वो लिया जा सके। मतलब लोगों का साथ गवर्नमेंट को लेकर रहना होगा और लोगों के साथ तालमेल बनाना होगा, लोगों के साथ गठजोड़ बनाना होगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का कानून वगैरह बना के मेंटेन कर सकते हो जब तक जो प्रशासन है वो आप सोसाइटी या बोल सकते हो कि लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि किसी भी एरिया में कोई आईएएस कलेक्टर है, अगर वो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करके नहीं रहेगा, वहाँ के लोगों के साथ तालमेल बना के नहीं रहेगा, वहाँ के लोगों के साथ अपना लिंक बना के नहीं रखेगा, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए उसको रखा गया है तो उसे लोगों की प्रॉब्लम समझनी होगी। अगर उसे लोगों की प्रॉब्लम समझनी है तो लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, लोगों से बातें समझनी होंगी, तो मतलब उसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए उसके साथ गठजोड़ बनाना होगा, तभी वो रियल चीज़ या ग्राउंड लेवल पर इश्यूज़ है उनको समझ पाएगा। इसके बाद में देखो राइटर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइन आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये कहा कि एसपी लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं वो जिले के नोडल ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे और उनका काम रहेगा कि वो मॉनिटरिंग वगैरह है, सर्विलेंस वगैरह है वो करें। इसके साथ ही ये कहा था कि कुछ असामाजिक तत्वों के जो ग्रुप होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो लोकल प्रशासन होता है ना उसको सब कुछ पता होता है, आप कहीं भी देख लो लोकल जो पुलिस होती है उसको पता होता है कि यहाँ पर कौन चोरी करता है कौन नहीं करता, वो अलग बात है कि वो एक्शन नहीं लेती हैं, बाकी उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना उसको सिक्योर है वो इंश्योर है वो हमें यहाँ पे करना होगा। और एक बात आती है अवेयरनेस की, लोगों को भी अवेयर करना होगा कि भाई आप भीड़ है वो आप हाथ जो भी कानून है वो अपने हाथ में ना लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया यूएसए जैसी कंट्रीज़ का, ये देखो हमारे इंडिया में कुछ अलग तरीके से काम होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई भी अगर काम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज़ हो रहा है तो हम क्या करें पुलिस को अवेयर नहीं करते, हम खुद ही नेतागिरी करने लग जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर भी चाहे कुछ हो रहा हो तो भी हम खुद ही उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं है कि भाई हम अथॉरिटी को अवेयर करवाएं कि यहाँ पे ऐसे गलत काम हो रहे हैं उसके बाद अथॉरिटी काम करे। खैर वो अलग बात है कि हमारी अथॉरिटी या जो प्रशासन है वो भी कहने की लापरवाही करता है, बट हम क्या है हम खुद ही रूल रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश है वो करते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट जो कानून बनाने की बात की जा रही है वो इतनी आसान नहीं है और बहुत लंबा टाइम इसके लिए लगेगा, क्योंकि यूएसए ने भी देखा जाए तो मॉब लिंचिंग को खत्म करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगा, लगभग यूएसए को 100 साल लगे थे मॉब लिंचिंग को खत्म करने के लिए। देखो यूएसए के अंदर 1861 से और 1865 के बीच में सिविल वार हुआ था, ब्लैक और व्हाइट के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी, नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ चली थी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, काफ़ी लोगों की जाने गई थी, खून बहा था, वो सारे काम वहाँ पे हुए थे। इसके बाद जब कानून बना सिविल लाइट मूवमेंट चली, सिविल लाइट मूवमेंट जब चली थी यूएस में वो चली थी 1954 से 1968 के बीच में, और जब जो एंटी लिंचिंग जो कानून बनाया गया था वो अभी बनाया गया था 2000 के टाइम पे। मतलब क्या है कि एक यूएसए जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसको ही मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए बहुत लंबा टाइम है वो गुजारना पड़ा है, तो इंडिया को भी इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ अहम बात यहाँ पे की जा रही है कि सोशल मीडिया की, देखो जो भी अफवाह वगैरह फैलती हैं उनके लिए अहम जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है और जो लोकल प्रशासन है वो तो है ही है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल मीडिया बोल सकते हैं सोशल मीडिया उसके ऊपर में फोकस है वो करना होगा। इसके साथ जो इंटरनेट पे हेट स्पीच होते हैं या फिर जो राजनीतिक पार्टियां जो इसका फायदा उठा रही हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं में लगाम है वो लगानी होगी, क्योंकि कई बार क्या पॉलिटिकल पार्टियां भी इलेक्शन में वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसे काम है वो करवाती हैं, तो हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम है वो करना होगा, तभी हम सोसाइटी को एक सेफ सिक्योर माहौल है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट पॉइंट्स थे आर्टिकल में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।